दोस्तों होमगार्ड्स के लिए आ रही है एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि होमगार्ड्स की सैलरी में हो गई है बढ़ोतरी, मानदेय बढ़ गया है भाई। डीए में की गई है बम्पर बढ़ोतरी। अब कितनी मिलेगी आपको सैलरी, कहाँ के होमगार्ड्स को मिलने वाला है फायदा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम सभी जगह शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा कर ऑल पर सेट कीजिए, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों बहुत इंतज़ार था कि भाई आखिर में होमगार्ड्स का मानदेय बढ़ेगा कब और कब डीए में होगी बढ़ोतरी। भाई बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली होमगार्ड्स की, दिल्ली के जो होमगार्ड्स हैं और बस मार्शल हैं वो बहुत इंतज़ार में थे, क्योंकि उनका डीए अभी तक 34% मिल रहा था। अब यहाँ पर एक सर्कुलर जारी करके उनके डीए में कर दी गई है बढ़ोतरी। तो दिल्ली होमगार्ड्स के लिए और दिल्ली के बस मार्शल्स के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर मैं आपको फ्लैश कर देता हूँ सर्कुलर, सर्कुलर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए 9 मार्च 2023 को रिलीज किया गया है और लिखा हुआ है सर्कुलर, सब्जेक्ट दिया है रिवीजन ऑफ डीएनएस अलाउंस फ्रॉम 34% टू 38% ऑफ होमगार्ड वॉलेंटियर्स एंड ईएसएम डिप्लॉयड एज बस मार्शल। ठीक है, जो बस मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं हमारे होमगार्ड जवान, उनका भी डीए जो है वो बढ़ा दिया गया है, और दिल्ली होमगार्ड्स का तो बड़ा ही है। नीचे की तरफ देखिए, विद रेफरेंस टू लेटर नंबर दे रखा है इन्होंने, डेट 11 जनवरी 2023 फॉर कमांडेंट ऑफ होमगार्ड्स दिल्ली, द डीएनएस अलाउंस ऑफ होमगार्ड्स वॉलेंटियर्स हैज बीन इनहेंस्ड, यानी कि बढ़ा दिया गया, कितना, 34% से 38%, और लागू कब से होगा लिखा हुआ है 1/7/2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 से इसको लागू माना जाएगा। द कैलकुलेशन ऑफ डेली ड्यूटी अलाउंस इज ए अंडर, इस तरीके से अब जो है ड्यूटी अलाउंस का कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने पूरी चार्ट दे रखी, सारणी बना रखी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा होगा कि भाई बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपये है, यानी कि 600 रुपये पर डे के हिसाब से बेसिक पे है, जैसा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स को भी मिलता है। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस अभी तक 34 था, लेकिन अब आपको देख रहा होगा ये डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए जो है वो 38% हो गया। उस हिसाब से अगर 18,000 का आप 38% निकालते हैं तो आपका हो जाता है 6,840 रुपये। ठीक है, 6,840 रुपये एक महीने का डीए हो गया। इसके अलावा कन्वीनियंस चार्ज मिलता है यहाँ पर 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपका 3×12 यानी कि 1200 रुपये आपका कन्वीनियंस चार्ज हो गया। कुल मिलाकर अगर होमगार्ड्स की यहाँ पर सैलरी देखें तो 26,040 रुपये बैठ रही है पूरे महीने की। ठीक है, तो 26,040 रुपये अब होमगार्ड जवानों को यहाँ पर मिलेंगे, और लिख दिए गए नीचे की तरफ भाई 868 रुपये पर डे के हिसाब से होमगार्ड्स को सैलरी यानी कि मानदेय। तो सैलरी तो होती नहीं है, मानदेय ही होता है, जाहिर सी बात है। तो संजय सक्सेना बाई CGM सेक्रेटरी, नीचे की तरफ ये कॉपी किस किस को इन्फॉर्म की गई है, भेजी गई है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। तो दिल्ली के जो होमगार्ड जवान थे वो काफ़ी वक्त से मांग कर रहे थे कि भाई ज़्यादातर स्टेटों में DNS अलाउंस जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो है अभी तक DNS अलाउंस नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। तो दिल्ली होमगार्ड्स का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। दिल्ली होमगार्ड्स के साथ साथ जो वर्ष मार्शल बने हुए हैं हमारे, उनको भी डीए की बढ़ोतरी का फ़ायदा मिल गया है। तो दिल्ली के होमगार्ड जवानों को भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि इंतज़ार लंबा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो डीए है वो 1 जुलाई 2022 से लागू माना गया है। ये जो पिछला पैसा है वो एरियर के रूप में आपको दे दिया जाएगा, इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, अच्छी बात है यार। तो यार कहते हैं ना कि देर है पर अंधेर नहीं, तो भाई हक जो है वो मिलता है जवानों का, हर हाल में मिलता है। यही मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आपकी ड्यूटी का पैसा है, एक एक पैसा आपको मिलेगा। अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम जरूर लिखा करें, आप लोग लिखने में बहुत कंजूसी कर देते हैं यार। तो अपने राज्य का नाम लिखें, आगे लिखें होमगार्ड न्यूज़ टुडे,
कोई यहाँ पर कोई भी आपसे पूछना है सवाल तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। कोई सुझाव मेरे लिए कि भाई वीडियो में और क्या बदलाव किया जाए तो बताइए मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत सारे लोग अभी भी देख रहे हैं तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। नीचे दिख रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको दबाइए, दबाने के बाद घंटी का निशान आएगा उसको दबा कर ऑल पर सेट कीजिए ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।